नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके पहले मैंने आपको भूगोल और इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं या कौन से अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 141 आर्टिकल 141 अनुच्छेद 141 कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाता है तो देश में सभी न्यायालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो न्यायालय हाईकोर्ट हो या फिर सत्र न्यायालय है, मतलब उच्च न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। ये बात अनुच्छेद 141 में कही गई है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को यानी किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितनी आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपने देखा सही है, 25 वर्ष। देखिए लोकसभा की बात करें तो आयु कितनी होनी चाहिए लड़ने के लिए, 25 वर्ष, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अब और बात करें तो लोकसभा का चुनाव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और जो आप कह सकते हैं राज्यसभा का 6 वर्षों के लिए होता है कार्यकाल। तीसरा प्रश्न देखिए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल। तो यहाँ पर देखिए जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। जैसे अगर हम पूरे राष्ट्र का बात करें, देश की बात करें, तो वहाँ पर कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर किसी राज्य की बात करें तो राज्यपाल। जैसे देश में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, लेकिन अगर कहें वास्तविक शक्ति किसके पास होती है तो पूरे देश की बात करें, केंद्र की बात करें, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर हम पार्टिकुलर एक राज्य की बात करें तो वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है, लेकिन जो प्रमुख होता है राज्य का वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो हमारे जो कि भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इनको निलंबित कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है, लेकिन कब? जब कोई आपातकाल की स्थिति आए तो उस समय राष्ट्रपति हमारे कुछ मूल अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी को निलंबित कर सकता है, कुछ पार्टिकुलर समय के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए उनको निलंबित कर सकता है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो फिलहाल आप जानिए कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। फिर यहाँ पर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन 2 बार रहा है, यानी कौन 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या इनको आप कह सकते हैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, ये हमारे भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। वैसे तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ऑप्शन ए सही होगा। जब हमारा संविधान बना उस समय कोई भी मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं शामिल था, यानी कि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर संविधान में 1972 में, कब? 1972 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, किस समिति के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया, कब? 1972 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 10 तो शामिल कर लिए, लेकिन यहाँ पर 11 हैं। तो देखिए फिर एक संविधान संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है,
और इसमें क्या किया जाता है, एक और मूल कर्तव्य शामिल किया जाता है, यानी कि 10 और 1 11 हो गए, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य निहित है हमारे संविधान में। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है, तो इसका ऑप्शन डी आप लोग जानिए, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ये अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जब हमारा संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची हैं। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिकल है 370, ये जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है, सॉरी देता था, अब नहीं। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया, कब, 5 अगस्त 2019 को, यहाँ पर थोड़ी सी मैं हड़बड़ी कर रहा हूँ, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव संसद में पारित किया, और उसके तहत क्या किया, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, आर्टिकल 370 समाप्त हो गया, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, 1 केंद्रशासित प्रदेश का नाम जम्मू कश्मीर, 1 का लद्दाख था, तो पहले था अब नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के एक सदस्य थे, मतलब कौन ऐसे थे जो विधानसभा के सदस्य थे, ये उस समय की बात हो रही है जब हमारे देश में विधानसभा थी, यानी कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था, तो विधानसभा के सदस्य थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में किसके दर्शन होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व में किसके दर्शन, यानी कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो इसमें समाजवाद दिखाई देता है, ऑप्शन ए हो जाएगा समाजवाद। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं कहीं प्रश्नों में, बाकी आंसर आप समाजवाद लगाएंगे, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा हुआ है। फिर है 11 नंबर का प्रश्न, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ, तो संसदीय प्रारूप ऑप्शन डी ब्रिटेन होगा। देखिए अगर हम बात करें सरकार कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली सरकार आज के दौर में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो अध्यक्षीय सरकार होती है, जैसे जहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है, जैसे अमेरिका, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख है, तो वहाँ वहाँ अध्यक्षीय प्रणाली अपनाई गई है सरकार की, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, जो वास्तविक शक्ति होती है किसके पास, प्रधानमंत्री के पास। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रारूप, अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली, तो जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री का ही पावर चलता है। 12 नंबर का प्रश्न है, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जब हमारा संविधान सभा बना तो उसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी यानी टेम्परेरी, तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे। फिर यहाँ पर है 13 नंबर का प्रश्न है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई, तो ऑप्शन सी सही होगा 1956 में। देखिए ये जो फजल अली आयोग बना था 1953 में, और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग से, मतलब राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, जब भारत उस समय आज़ाद हुआ तो बात आई कि राज्यों का विभाजन कैसे किया जाए, क्योंकि सभी राज्य अपने अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण अलग अलग राज्य की डिमांड कर रहे थे कि हमारा राज्य अलग कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम वहाँ पर आई, तो एक फजल अली आयोग बनाया गया 1953 में, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी 1956 में, उसमें भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को बांट दिया गया, यानी कि उस समय 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे प्रारंभ में, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। फिर है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 14 नंबर का प्रश्न, तो मैंने बताया 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी सही होगा।
15 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर मतलब अध्यक्ष होता है, उसके चुनाव की तिथि कब निर्धारित की जाएगी ये डिसाइड नहीं है संविधान में। पहले तो भाई लोकसभा के सभी सदस्य चुन के आते हैं जनता के द्वारा, फिर अपने में से किसी को स्पीकर चुन लेते हैं यानी अध्यक्ष चुन लेते हैं, लेकिन तिथि का वर्णन नहीं किया गया कि कितने तिथि तक या कब इनको नियुक्त करना है, कब इनका चुनाव कराना है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका चुनाव कब करना है, उसकी नियुक्ति कब करनी है, ये सब कोई इसके बारे में वर्णन नहीं है संविधान में। फिर है 16 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो यहाँ पर सीधे आप देखिए ऑप्शन डी देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये हस्तान, देखिए यहाँ पर लिखा है एकल हस्तांतरणीय, इसको बोलते हैं संक्रमणीय मत, चाहे आप हस्तांतरणीय बोलिए चाहे संक्रमणीय, हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष हैं वैसे ही ये भी है, तो एकल संक्रमणीय बोलिए चाहे एकल हस्तांतरणीय बोलिए। एकल हस्तांतरणीय के वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। फिर यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उभय, यहाँ उदय नहीं, उभय उच्च न्यायालय है, उभय मतलब कॉमन, कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कॉमन उच्च न्यायालय है, उभय, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय एक ही है। जैसे भाई अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय है, बिहार का अलग है, लेकिन पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का उच्च न्यायालय एक ही है, तो इसको बोलते हैं उभय या फिर कॉमन न्यायालय। 18 नंबर का प्रश्न है, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी संप्रभु राज्य का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, एक देश किसी अन्य देश की प्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है, बिल्कुल गलत, अभी मैं बताता हूँ संप्रभु राज्य क्या होता है। फिर बी है, यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें सदस्यता प्राप्त करने के लिए अपने संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है, ये भी गलत है, यूएनओ में ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ना तो ए सही है ना तो बी। अब यहाँ पर समझिए कि संप्रभु राज्य होता क्या है। देखिए संप्रभु राज्य जैसे भारत संप्रभु राज्य है, तो भारत क्या कर सकता है कि अपने आंतरिक और बाह्य फैसले ले सकता है, यानी हम कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी देश का हम पर कोई दबाव नहीं रहेगा, हम चाहें किसी देश को अपना शत्रु माने, किसी को अपना मित्र माने, किसी से संधि करें, कैसा व्यवहार करें, यह सब हमारे देश पर डिपेंड करता है। मतलब हम अपने आंतरिक फैसले लें या फिर बाह्य फैसले लें, किसी देश का हम पर कोई दबाव नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा देश संप्रभु है, यानी पूरी पावर हमारे ही पास है। जैसे पहले हमारा देश संप्रभु नहीं था, पहले अंग्रेजों के अधीन था, हमारे जो फैसले होते थे वो अंग्रेज लेते थे जब हम लोग उनके गुलाम थे, लेकिन आज भारत एक संप्रभु राज्य है। तो समझ गए होंगे संप्रभु राज्य मतलब क्या होता है, कि जो अपने फैसले स्वयं करे बिना किसी दूसरे देश के दबाव के। फिर है 19 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी, यानी कि पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली पहली समिति कौन थी? तो ऑप्शन ए सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति ऐसी समिति थी जो पंचायतों के विकास के लिए सबसे पहले सुझाव दी थी, ऑप्शन ए सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। फिर यहाँ पर है, सूचना का अधिकार का अधिनियम किस वर्ष में लागू, यानी सूचना अधिकार का अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो ये सन याद रखिए, ऑप्शन सी सही होगा, 2005 में, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सन पूछ लेता है, खासकर पेट जैसे एग्ज़ाम में सन अक्सर पूछ लेगा। तो यहाँ पर सूचना का अधिकार जो है ये अधिनियम 2005 में आया। 21 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए,
तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। फिर यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्वसरकारों के लिए प्रबंध करती है? तो यहाँ पर हमारी जो 11वीं अनुसूची है वो सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 11वीं अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय व स्वसरकारों के लिए प्रबंध करती है। फिर यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? देखिए चौथा अध्याय मतलब भाग चार की बात कर रहा है। हमारे संविधान में जितने भी अध्याय हैं उनको हम लोग भाग बोलते हैं। जैसे भाग एक में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है, भाग दो की बात करें तो उसमें नागरिकता की बात की गई है, यानी अध्याय दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकारों की बात की गई है, भाग चार में नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। भाग चार, ये देखिए भाग चार इसको बोलते हैं, इसमें है नीति निदेशक तत्व। लेकिन भाग चार का अगर ऐसे पूछ ले, भाग चार चार और फिर ब्रैकेट में का, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें वर्णन है मूल कर्तव्यों का। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का में। ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कभी। तो फिलहाल 23 नंबर का जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय तो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, ऑप्शन ए सही। 24 नंबर का प्रश्न है, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सभी को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, यानी कि कब लागू हुआ? 2010 में, ऑप्शन बी सही होगा। 25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने किस पद से इस्तीफा दिया था? तो ये थे बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद, हालांकि अब राष्ट्रपति नहीं है, अब तो महामना आप कह सकते हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन इसके पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो पहले बिहार के राज्यपाल थे, फिर वहाँ से इस्तीफा दिए और भारत के राष्ट्रपति बने थे। फिर यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, गुलजारी लाल नंदा। अब इनको समझ लीजिए कब कब कार्यवाहक बने। देखिए सर्वप्रथम जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, फिर 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो फिर ये गुलजारी लाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, यानी 2 बार बने, गुलजारी लाल नंदा। ई गवर्नेंस क्या है? 27 नंबर का प्रश्न है, तो ई गवर्नेंस का मतलब है प्रौद्योगिकी संचालित शासन, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा शासन को चलाना ई गवर्नेंस कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 28 नंबर का प्रश्न, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन बी चीन होगा। फिर यहाँ पर संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 29 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिताकार कौन थे? तो पिडमारी वेंकट सुब्बा राव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिडमारी वेंकट सुब्बा राव। 31 नंबर का प्रश्न है आपका, 31 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ तो राष्ट्रपति दिला सॉरी मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। यही समझने वाली बात है कि अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। लेकिन त्यागपत्र किसके समक्ष देगा? उपराष्ट्रपति के समक्ष। बस यही समझने वाली बात थी। अक्सर लोग यहाँ पर जब शपथ की बात आती है तो उपराष्ट्रपति लगा देते हैं, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? 33 नंबर का प्रश्न है, तो भाग 3। भाग 3 क्यों? क्योंकि भाग 3 में बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो उसी में हमारे गोपनीयता का अधिकार भी है। जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय जिसने ई कोर्ट भुगतान सुविधा लागू की है। ई कोर्ट अगर कहीं लगता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, चेन्नई यानी मद्रास। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है मद्रास, उसने ई कोर्ट भुगतान सुविधा अपने यहाँ लागू कर दी है। और वो पूरे संपूर्ण देश की बात करें तो 8वां न्यायालय, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो पहला न्यायालय ऐसा है जिसने ई कोर्ट भुगतान सुविधा लागू की है, मद्रास उच्च न्यायालय। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19A, 19 का इसको बोल सकते हैं, अनुच्छेद 19A या 19 का, ऑप्शन A सही होगा। 36 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकार हैं किस अनुच्छेद से लेकर किस तक? तो ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग है यहाँ पर 3, भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35। फिर 37 नंबर का प्रश्न है, 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया? 1946 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई योजना के तहत किया गया? तो यहाँ पर किया गया कैबिनेट मिशन योजना। देखिए कॉल्स आती रहती हैं तो इसलिए कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, अब मोबाइल से ही बनाना पड़ता है। कैबिनेट मिशन योजना, इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। 38, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 वर्ष, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये जब 65 वर्ष के हो जाते हैं तो ये रिटायर हो जाते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन? तो अनुच्छेद 356, ऑप्शन A सही होगा। इसके तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में। देखिए जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है जो कि आपातकालीन स्थिति में लागू होता है, तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद आते हैं। एक तो आता है 352, 352 के तहत क्या किया जाता है? अनुच्छेद 352, इसके तहत अगर युद्ध की स्थिति बनती है या आंतरिक विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है भारत में, किसी बाह्य देश के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, तो उस समय हमारे यहाँ आपातकालीन की घोषणा कर दी जाती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है 352 के तहत। 356 में जब किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम न करे या वहाँ पर संविधान का उल्लंघन होने लगे, तो या बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जैसे मुख्यमंत्री की अचानक डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के तहत। एक होता है 360, अनुच्छेद 360, वो भी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, लेकिन जब हमारे देश में वित्तीय आपात की स्थिति आती है, वित्तीय आपात, तो 360 के तहत
लागू होता है। 40 नंबर का प्रश्न है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप किन किन आधारों पर नागरिकता पा सकते हैं और कैसे अपनी नागरिकता गंवा सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में सारी बातें बताई गई हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, अगर वर्तमान सत्र चल रहा है और निष्कासन हो जाए तो स्थगन बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, स्थगन। बहुत से लोग यहाँ पर सत्रावसान लगा देते हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा, निष्कासन को बोलते हैं स्थगन। फिर है 42 नंबर का प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? वर्ष 1950 में की गई। 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो मैंने अभी आपको बताया था जब राष्ट्रपति शासन पढ़ाया था, 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, अनुच्छेद 360। ऑप्शन सी सही होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पर पॉकेट बीटो क्या होता है समझना ज़रूरी है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपका डी सही होगा, ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट बीटो का प्रयोग किया था 1986 में जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक इनके पास आया था। अब हुआ क्या था उस समय, देखिए पॉकेट बीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक भेजा गया, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, मान लीजिए ये जो विधेयक था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, अब राष्ट्रपति के पास पहुँचा, राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी वो कानून बनेगा। तो जब राष्ट्रपति के पास पहुँचा तो राष्ट्रपति को थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने ना तो इसको मतलब इस पर साइन किया, ना तो इसको सहमति व्यक्त की, ना तो इस पर असहमति व्यक्त की, कुछ भी नहीं बोला। यानी पॉकेट का मतलब होता है जेब में रख लेना, इसको जेबी बीटो भी कहते हैं, पॉकेट बीटो को जेबी बीटो भी कहते हैं। इसके तहत क्या होगा, राष्ट्रपति कुछ नहीं कहेगा, ना तो साइन करेगा, ना तो साइन करने से इनकार करेगा, ना सहमति करेगा, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, कुछ भी नहीं, अपने पास वो प्रस्ताव रख लेगा। तो इसको बोलते हैं पॉकेट बीटो। फिर यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो देखिए वैसे चीन अपने आप को कहता तो है लेकिन वो वास्तव में लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो अमेरिका, श्रीलंका, भारत तो लोकतांत्रिक है लेकिन चीन नहीं है। चीन में साम्यवादी सरकार रहती है जो कि निरंकुश सरकार है, निरंकुश। ओके, 46 नंबर का प्रश्न है, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जाता है? कोई आपदा आ गई, बाढ़, भूकंप या बहुत सारी आपदाएं होती हैं, आंधी तूफान, या फिर कोई आपातकालीन की स्थिति बनती है, तो भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की निधि का उपयोग किया जाता है? आकस्मिक निधि का। ऑप्शन ए सही होगा, आकस्मिक निधि, यहीं से पैसा निकाला जाता है और राहत पहुँचाया जाता है। फिर 47 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में ही कर दिया गया था पहला संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 वर्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। 48 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? यानी कि पूछ रहा है कि जो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है ये कैसी पार्टी है? तो यह एक वामपंथी पार्टी है। ऑप्शन बी सही होगा, इतना जान लीजिए बस, क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी एक वामपंथी पार्टी है। फिर 49 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? प्रेम सिंह तमांग किस राज्य से संबंधित हैं? तो सिक्किम से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम, ये सिक्किम के क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं, इनको आप कह सकते हैं। तो ये सिक्किम राज से संबंधित राजनेता हैं। कौन है? नेता प्रेम सिंह तमांग, मैंने एक क्वेश्चन पहली बार सुना है। 50 नंबर का प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई। ऑप्शन सी सही होगा, जैसे हमारे यहाँ जो शक्तिशाली केंद्र है उसी के साथ संघीय प्रणाली भी अपनाई गई, यानी कि
राज्यों को भी बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं। तो ये जो प्रावधान है किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, कनाडा के संविधान से। 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन मत नहीं देता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए डी बता रहा है 2 और 3, यानी कि हमको देखना 2 और 3। राज्यसभा के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये नहीं देते हैं वोट, और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य ये भी नहीं देते हैं। तो देता कौन है, राज्यसभा के नामित सदस्य वोट देते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, राज्यसभा के नामित सदस्य देते हैं, ना कि विधानसभा के सदस्य। तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ विधानसभा है, विधानसभा का कोई भी सदस्य नहीं देता है। फिर यहाँ पर है 52 नंबर का प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को क्या बनाने का प्रावधान करता है। तो पंचायतों को संवैधानिक संस्थान बनाने का प्रयास करता है, प्रावधान करता है 73वां संविधान संशोधन। फिर यहाँ पर है आपका जो 53 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो डॉक्टर B.N. राव, जब हमारा संविधान सभा बना प्रथम संविधान सभा, तो उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर B.N. राव। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जाना कीजिए। 54 नंबर का प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए। तो ऑप्शन डी सही होगा, 1976 में, ये मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन, मतलब 10 मिनट पहले आप चले जाइए तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, यानी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ, 1959 में हुआ। ऑप्शन बी सही होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। फिर यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है आपका, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था, यानी लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। तो यहाँ पर है गणेश वासुदेव मावलंकर, ये प्रथम स्पीकर थे लोकसभा के, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर। एक दो बार आप पढ़िए और एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न, निम्न भारतीय में से, यहाँ भारतीय होगा, निम्न भारतीय में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, देखिए इसका जो आंसर होगा डी होगा, K.N. वांचू, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी कर दी उसने, निम्न भारतीय, पहले यहाँ तो गड़बड़ी की है, निम्न भारतीय में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के एक न्यायाधीश नहीं थे, यहाँ पर था लिखा, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, तो K.N. वांचू ऑप्शन डी सही होगा। फिर 58 नंबर का प्रश्न है, राज धर्म वंश जाति लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज धर्म वंश जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन की बात की गई है कि सभी, मतलब जितनी भी लोक नियोजन के लिए जो भी, मतलब जैसे नौकरी निकलेगी तो उसमें सभी की समान भागीदारी होगी। 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। 13 में कुछ कानूनों की बात की गई है कि कौन से कानून प्रभावी होंगे कौन से नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको। 59 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये मैंने आपको कई बार बताया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 60 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ऑप्शन सी होगा, केंद्र को। देखिए कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं, कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, है तो आप जानते ही हैं। तो इन सूची के अलावा भी कुछ शक्तियाँ बचती हैं, तो वो शक्तियाँ जब हमारा देश नहीं आ जाता तो गवर्नर जनरल को दी जाती थी, लेकिन आज वो शक्तियाँ केंद्र के पास हैं।
फिर यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 34 आपका ऑप्शन सही होगा, 34 होते हैं टोटल। फिर यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो ये नवंबर 2014 में हुआ, यानी जब गवर्नमेंट बदली, यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट गई भाजपा की आई, तो लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूरब की ओर देखो नीति जो थी, इसको बदल करके कर दिया गया लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एक ही जैसा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब पूरब की ओर देखो नहीं, अब पूरब की ओर काम करो, यानी जो पूर्वी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये सब जो पूर्वी देश हैं हमारे, इनसे हम लोग व्यापारिक साझा करें, व्यापारिक समझौते करें, सिर्फ देखें ही ना। 63 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में अंतर्निहित है, तो ये किस में अंतर्निहित है? 9वीं अनुसूची में, 12 अनुसूची टोटल है, 9वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है। मैं थोड़ा तेज़ी से करने का प्रयास कर रहा हूँ। 64 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा समानता का अधिकार नहीं है? तो देखिए 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात की गई, समानता के अधिकारों की बात की गई है, 18 तक की गई है, 19 से स्वतंत्रता की बात आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए 14 तो होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, लेकिन 19 नहीं है। ये जो देखिए, ये जो 19 है ये गलत है, यहाँ 18 होना चाहिए। 18 मतलब उपाधियों का अंत। 14 में कहा गया कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है। 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर यानी लोक नियोजन की बात की गई, बिल्कुल सही है। 17 में छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता का अंत, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 में उपाधियों का अंत नहीं है, अनुच्छेद 18 होना चाहिए यहाँ पर। अनुच्छेद जो 19 है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये समानता का नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं नीति निदेशक तत्व में आता है। नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 51 कहता है कि भारत हर संभव प्रयास करेगा कि हर देश के साथ उसका शांति और सुरक्षा बना रहे, मतलब किसी देश के साथ हमें दुश्मनी नहीं करनी है, हम शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, ये बात अनुच्छेद 51 में हमारे लिखी है हमारे संविधान के। 66 नंबर का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 32। रिट, पत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? रिट, यानी कि कुछ रिट जारी कर सकता है। फिर 67 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ये नीदरलैंड जो देश है वहीं पर हेग स्थित है और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। 68 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। हमारे देश में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची वे सूची हैं जिनमें जो विषय हैं उन पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। राज्य सूची में राज्य बना सकता है कानून, और जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी राज्य भी। 69 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया, किस राज्य के विरुद्ध था? केरल राज्य के विरुद्ध, इसी में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया। 70 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ये है ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 200। इसके तहत राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो कोई भी विधेयक जो कि विधानसभा से पारित हो गया है
उसको अपने पास रख सकता है। जैसे राज्य विधानसभा से जो प्रस्ताव पारित होता है विधेयक, वो राष्ट्रपति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति पहले राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसके उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है अनुच्छेद 200 के तहत कि वो चाहे तो कुछ समय के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है। फिर यहाँ पर है 71 नंबर का प्रश्न, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान दक्षेस का सदस्य नहीं है, बिल्कुल आसान सा जवाब है ऑप्शन डी। 72 नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का उपराष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है केंद्र सरकार का? प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन अगर संवैधानिक शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के पास है। 73 नंबर का प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया था? तो डोमिनियन राज बन गया था। जैसे ही भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 पारित हुआ, भारत डोमिनियन राज बन गया था। ये मत कहिए कि लोकतांत्रिक राज बन गया था, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था, ऑप्शन ए सही होगा। 75 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्व को, ऑप्शन सी सही होगा। 76 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल 324 में इलेक्शन का उल्लेख किया गया, आप कह सकते हैं इसको। 77 नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अपना शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के, ये बात ध्यान में रखना। 78 नंबर का प्रश्न, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी सही होगा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हुआ। 79 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई, सर्वप्रथम किन राज्यों में इसकी स्थापना की गई और कौन से राज्य ने इसको अपने यहाँ लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सर्वप्रथम पंचायती राज्यों को लागू किया। 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई, राजस्थान आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू किया। फिर यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा में मान लीजिए विधेयक आया, तो कौन तय करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं? ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है, ऑप्शन ए सही होगा। कई लोग यहाँ पर राष्ट्रपति लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। 81 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी और अभी भी यही चला आ रहा है। 82 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, यानी जो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करे, प्रशासन करे, शासन करे, वो है संवैधानिक सरकार, संवैधानिक शर्तों के अनुसार सरकार, ऑप्शन ए सही होगा। 83 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12, लोकसभा के 2, हालांकि लोकसभा वाला अब हटा दिया गया है, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों का एक प्रकार से मनोनयन करता है राष्ट्रपति। 84 नंबर का प्रश्न है, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? लोक अदालत द्वारा, ऑप्शन ए होगा, 6 अक्टूबर 1985 को पहली बार लोकसभा द्वारा मुकदमों की सुनवाई की गई, 6 अक्टूबर 1985। थोड़ा सा मैं तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? तो 5 न्यायाधीशों की बैठक होती है। अगर कोई संवैधानिक प्रश्न आ गया, मुद्दा आ गया संविधान से संबंधित, तो उसको 5 न्यायाधीश एक साथ मिलकर सुनवाई करते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 86 नंबर का प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान,
तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 87 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन बी होगा, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 21 ईयर्स। 88 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ होती है? सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी सही होगा। 79 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। बहुत ही आसान प्रश्न है। 90 नंबर का प्रश्न है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को कैसे हटा सकता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं। मतलब राष्ट्रपति कैसे हटाएगा राज्यपाल को, राज्यपाल क्या करेगा, कौन सा उल्लंघन करेगा, इसका कहीं वर्णन नहीं है। यानी राज्यपाल की पदच्युति का जो आधार है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। 91 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। 92 में कहा गया है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है, यानी कितना समय हो सकता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, 6 माह हो सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। 93 नंबर का प्रश्न है, 92 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं शामिल किया गया? यहाँ पर जो कन्नड़ है इसको नहीं शामिल किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो और संथाली को शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया था। 94 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों का शोषण, तो ये अनुच्छेद 24 है। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसकी एज जो है 14 वर्ष से कम है, तो उसको आप किसी जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है, बच्चों के शोषण से संबंधित। फिर यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में अपनाई गई है। 96 नंबर का प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति, ऑप्शन सी सही होगा। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात करें संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 97 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है उसका उल्लेख भाग 5 में है, संघीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, इन सब का उल्लेख भाग 5 में है। 98 नंबर का प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का व्याख्या कौन करता है, उसका संरक्षक कौन है, ये सब सुप्रीम कोर्ट का काम है। संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं उसका व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय। 99 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अंतिम प्रश्न है और 100 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिक के जो मूल कर्तव्य हैं इनका विवरण किया गया है भाग 4 का में, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11 मूल कर्तव्य हैं, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए। हालाँकि मैं शुरुआत में थोड़ा धीरे पढ़ाया हूँ, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा तेज़ पढ़ाया है ताकि आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।